नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक बार फिर मचने लगा है घमासान, दंगल होगा मोदी और मुसलमान, क्या एक बार फिर मचने लगा है घमासान। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यानी कि एक कदम और उन्होंने बढ़ाया, तो कयास ये लगने लगे तो देश के सभी तत्वों को जो पिछले 5 साल में भले ही राजनीतिक मजहों से कुछ सहयोगी के बयानों के वजह से अगर गलत संदेश चले गए होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अगले 5 साल तक साथ लेकर नहीं चलना चाहते, उस अविश्वास को दूर करना चाहते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोंग कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ गए। मुसलमान का वोट आखिर ऐसा क्या है जो मुसलमानों में पीएम मोदी के लिए संदेह पैदा कर रहा है। देखिए असदुद्दीन का क्या है कहना। तो प्रधानमंत्री कितने कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते रहेंगे, ये तो ओपन कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर वो समझ रहे हैं कि इस तरह की बातचीत करने से कुछ वो मैसेज दे रहे, नहीं दे रहे मैसेज, वो एक्सपोज हो चुके हैं। बोलते एक हैं, करते एक हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तो उनको बोलने की आदत है, बोलते रहेंगे। और उसके बाद फिर मुफ्ती असबर जी ने पीएम मोदी का संदेश, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके अंदर विश्वास पैदा करेंगे, उन्हें काफी अच्छा लगा। जी, इस बात से हम सहमत हैं और ये नारा बहुत ही अच्छा लगा है। मोदी जी ने तो कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और अल्पसंख्यकों के अंदर विश्वास पैदा करेंगे, ये उनका कहना बहुत ही हमें अच्छा लगा है। और इससे हमें यकीन भी है कि मोदी जी जो हैं अल्पसंख्यकों के लिए एक नया कार्य करेंगे, उन्हें लेकर साथ चलेंगे। और आगे रशीद फिरंगी मौली भी कह रहे हैं, जिसमें भी यह डर है उसे पीएम मोदी दूर कर देंगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।